हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा कि जो वार्निंग लाइट होती है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया। मैं एक मिनट की ऑन करके दिखाता हूँ, एक सेकंड, जरा हैंडल लॉक है। अब ये दिखेगा जो हमारी ये वाली लाइट है। ये देखिए, चाबी यहाँ पे बनी आई थी। देखिए, मैं दोबारा चालू करूंगा इसको। ये देखिए, जो यहाँ पर ये चाबी बनी आई हुई है, इसका क्या हमारा काम है, क्या इसका मैकेनिज्म है, मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये है हमारी सिक्योरिटी लाइट, जो कि हमारी, आप ये देख सकते हैं, VXI गाड़ी है। इसमें कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग मिला, जिसमें चाबी में दो बटन है, एक लॉक और एक अनलॉक का। तो इसका और इससे क्या मतलब है, क्या रिलेशन है इनका, ये बताता हूँ मैं। आप ये देखिएगा, इसमें दो बटन है, लॉक और अनलॉक। तो जो हमारा वो, उसमें बहुत सारे फीचर हो जाते हैं। जैसे कि हमने गाड़ी को लॉक कर दिया है, तो लॉक करने के बाद जो हमारा फीचर है वो ऑन हो चुका है। अब ये देखिएगा, यहाँ पर ये रेड लाइट भी जो ब्लिंक होना है वो चालू हो गई है। ठीक है भाई, ये लाइट भी चालू हो गई है। जैसे मैंने गाड़ी का लॉक खोल दिया, देखिए, और अब आप 10 सेकंड तक वेट करिए, जो ये है हमारा, अपने आप ये लॉक हो जाएगा। 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। ये भी हमारा फीचर है चाबी का। ये देखिएगा जी, ये हमारा है, अपने आप गाड़ी हमारी लॉक हो गई है। अब जो ये होते हैं हमारी की के अंदर, और जहां पर हम की को इंसर्ट करती हैं, ये देखिएगा आप, यहाँ पर ये सेंसर को स्कैन करता है कि ये सेम सेंसर है या नहीं है। अगर और कोई सा सेंसर हो और कोई सी नकली डुप्लीकेट चाबी बना लेगा, तो हमारी गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होगी। अब एक ने तो अपने ये फीचर देख लिया। अब दूसरा फीचर बताता हूँ, हमने इन दोनों बटन को इकट्ठा प्रेस किया, तो हमें सिंपली अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद हमारी गाड़ी हो गई है। ठीक है, और अब आपको इसका एक और फीचर दिखाता हूँ। जैसे गाड़ी का मैंने देखिए एक डोर खुला हुआ है, गाड़ी को मैं लॉक करूंगा तो लॉक नहीं हो रही, होगी भी नहीं। और अगर हमारी गाड़ी का बोनट खुला हुआ है और हम इसे जब लॉक करेंगे, या टिक्की है जो चारों डोर्स को छोड़कर जो डिग्गी है और हमारा बोनट है, अगर वो हमारे ओपन होंगे और हम गाड़ी को लॉक करेंगे, तो गाड़ी 3 बार बीप करेगी। अगर 3 बार गाड़ी बीप करे, तो समझ जाना कि गाड़ी में कुछ ना कुछ खुला हुआ है। और जो हमारा कोई भी डोर ओपन होगा, तो गाड़ी लॉक ही नहीं होगी। ठीक है, गाड़ी अपना लॉक नहीं पकड़ेगी। और फिर आप ये देखेगा, ये जो रेड लाइट है यहाँ पर जो ब्लिंक करते हैं लॉक होने के बाद, वो भी अपना यही बताती है कि गाड़ी हमारी लॉक हो चुकी है। और उसके बाद हमारी गाड़ी को कोई बाहर से अगर खोलेगा, शीशा भी कुछ तोड़ता है, शीशा तोड़ के अगर इनसे हमारी गाड़ी को खोल के, जैसे बंद है ऐसे खोल के डोर को ओपन करेगा, तो गाड़ी सायरन करना स्टार्ट कर देगी। तो ये थे मारुति की गाड़ी के की के कुछ फीचर्स। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब।